एंड वेलकम टू माय चैनल हार कुकबुक। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, आप उसे स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप कोई गेस्ट आए आप फॉर्म बना सकते हैं, ईद के लिए भी बहुत अच्छा है, पार्टीज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पुटीन। पुटीन इस पोटैटो के साथ बनती है। उसके लिए आपको आलू चाहिए, तीन ले लें अपने हिसाब से, तीन ले लें, चार ले लें, जितने भी आपने बनाने हैं। और उसमें जो खास चीज है, इंग्रेडिएंट है, वो है चीज कर्ड। अगर आपको चीज कर्ड नहीं मिल रही तो आप मोजरेला चीज या कैडर चीज लेके उसके स्मॉल स्लाइसेस करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए दो स्मॉल अनियन, तीन लहसुन के जो, ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा 6 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, और हमें बटर चाहिए 3 टेबलस्पून। तो आप ये इसको आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप उसके हिसाब से इसे 3 टेबलस्पून यूज कर लें। और ये ब्लैक पेपर, हरा धनिया और हरी प्याज गार्निश के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने शुरू करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको दबाने से मेरी रेसिपी आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यहाँ पर हमारे ऑयल मैंने रख दिया फ्राइज के लिए, गर्म होने के लिए। तो इससे जब तक ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम आपको बताते हैं कि ग्रेवी कैसे बनेगी। 3 टेबलस्पून बटर, ये हम ग्रेवी बना रहे हैं। ये ध्यान रखें कि हम ग्रेवी पहले बनाएंगे और उसके बाद हम फ्राइज बनाएंगे। उसके लिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बटर डाला है। ये जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा ऐड करेंगे। ये देखें मेरे पास तो ये कटर पहले से मौजूद था, तो मैंने इसे यूज कर लिया फ्राइज के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नाइफ यूज कर सकते हैं, कोई और कटर अगर आपके पास है तो आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें 6 टेबलस्पून फ्लावर ऐड करेंगे, लेकिन देखें कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, बिल्कुल एकदम सारा सा नहीं। मिक्स करना है। अब हम इसमें जो हमने प्याज काटी थी वो इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ हम इसमें क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे। अब इसमें ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हर चीज। अब इसमें हम 3 कप बीफ स्टॉक ऐड करेंगे और इसमें मैं थोड़ी सी ये सॉस भी ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये सॉस नहीं अवेलेबल या आपके एरिया में नहीं मिलती तो आप इसकी जगह थोड़ा सोया सॉस भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। जब तक हमारी ये ग्रेवी बन रही है, थोड़ी सी थिक हो रही है, हम फ्राइज की तरफ आते हैं।
अच्छा एक और चीज मैं इधर मेंशन कर दूं कि आप ये देख रहे होंगे कि इसमें मैंने आलू के छिलके जो है वो नहीं उतारे थे, तो प्रोटीन जब आप बनाएं ग्रेवी के साथ तो इसका छिलके साथ ही रखें। अच्छा मैं इसमें मशरूम ऐड कर रही हूँ, फ्रेश मशरूम, अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। मशरूम डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको इसको हल्की आंच पे रखना है और आपकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। फ्राइज में हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें हमारी अच्छे से फ्राइज रेडी हो गई है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आपने इसे गार्निश करना है।